हिंदी सिनेमा के सबसे दिग्गज अभिनेता रहे मोहन जोशी। इन्होंने एक बार 1000 से भी अधिक फिल्मों में अपना अभिनय का जलवा बिखेरा है। एक्टिंग हो या फिर खलनायक का किरदार, ये बहुत खूबसूरती से उन्हें पर्दे पर उतारते हैं। इन्होंने अपनी दमदार अदाकारी से लाखों दर्शकों को अपना कायल किया है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज ये अभिनेता कहाँ है, क्या करते हैं और कैसे दिखते हैं? अगर आप भी इन दिलचस्प सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। मोहन जोशी का जन्म 7 सितंबर 1945 को बेंगलोर कर्नाटक में हुआ था। इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई बेंगलोर से पूरी की और आगे की पढ़ाई मुंबई यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की। बात करें इनके करियर की, तो इन्होंने अपने करियर की शुरुआत पुणे थिएटर से की थी। साल 1983 में आई मराठी फिल्म एक डाव भुताचा से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इस फिल्म से उन्हें बॉलीवुड में एंट्री करने का मौका मिला, जिसके बाद उन्होंने साल 1993 में आई फिल्म भूकंप में अपना किरदार निभाया। पर इस फिल्म से भी इन्हें कोई सफलता हासिल नहीं हुई। लेकिन साल 2000 उनके जीवन में एक नया मोड़ लेकर आया। मोहन जोशी ने साल 2003 में आई फिल्म गंगाजल में साधु यादव का किरदार निभाकर लोगों की खूब वाहवाही लूटी। इस फिल्म में इन्होंने इंडस्ट्री में पहचान मिली और ये दिग्गज अभिनेता बनकर उभरे। उनकी ये फिल्में मृत्युदंड, लोहा, हिम्मतवर, मैजर साहब, फूल बने पत्थर, हसीना मान जाएगी और लाल बहादुर जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल हैं, जिन्हें लोग अभी भी देखना पसंद करते हैं। वहीं अगर बात करें इनके पर्सनल लाइफ के बारे में, तो उनकी वाइफ का नाम ज्योति जोशी है, जिनसे इन्होंने शादी कर ली थी। इस शादी से इन्हें एक बेटा है जिसका नाम रोहन जोशी है। लेकिन बात की जाए 80 के दशक के इस अभिनेता की, तो इन्हें आखिरी बार साल 2020 में आई मराठी मूवी गोश्त एका पैठानीची में देखा गया। साथ ही आपको बता दें कि ये अभी भी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और अपने परिवार के साथ मुंबई में खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। वहीं आज ये 76 साल के हो चुके हैं और पहले से काफी ज्यादा बदल चुके हैं, जिसकी वजह से इन्हें पहचान पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जैसा कि आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको मोहन जोशी के बारे में जानकर कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना